बहुत शुक्रानी। सोच के करी नहीं थी, दूर से की तो हो गई थी, ये सब सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं सोचा था। गुरु जब कहते थे कि देखना देखना गुड़िया, तो समझ में नहीं आता था, लगता था क्या देखेंगे, अभी इतना आनंद आ रहेगा, अभी बस इतने अच्छे लग रहे हैं, इनका साथ अच्छा लगता है, क्या देखेंगे आगे। बस बस कोई भी बस किताब पढ़ने को आराम कर रहा, आदर्श आदमी को अपने सामने रखो, विवेकानंद को सामने रखो, देखो वो कितना महान था। राम तीर्थ का उदाहरण देखो तो तुम भी ज्ञान में ऊंचे चढ़ जाओगे। शांति बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, पर ये मन भूत शांति लेने नहीं देता, संतोष भी नहीं लेने देता। जब असंतोष मन में आए तो सड़क पर गरीबों को देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने आराम में हो, तुम्हारी तो हालत अच्छी है पर फिर भी तुमको हंसी नहीं आती। मन में कोई भी ख्याल आए तब भी हंसो तो ही अच्छा रहेगा। कहते हैं जगह जगह जाने से संत तो रमता वाला, क्यों कहा गया ये बात समझ में आती है, क्योंकि आप एक एक से मिलिए, एक एक को देखिए तो महसूस होता है कि कैसी हालत है, उसके बाद भी कितने जिंदा दिल है, कितनी अच्छे से शुक्राने में जी रहे हैं, अपनी हालत का प्रभाव ही नहीं। अभी अंजू के हस्बैंड को देखा तो इतनी तकलीफ, इतना सांस भी नहीं ली जाती है ठीक से, ऑक्सीजन मास्क लगा रहता है, लेकिन कैसी महिमा और कैसी ताकत में, लगता है गुरु जी ने सबको कैसी ताकत दी हुई है। एक से एक भक्त है जो ऐसे रहते हैं, पता भी नहीं चलता रहते हैं संसार में, पता भी नहीं चलता है, उसी अपनी ताकत में रहते हैं। गुरु जी की बड़ी बहुत शुक्राना लगता है, क्योंकि भक्त है वहां पे कोई, उसके त्याग तपस्या से उसी के उससे तो सबको ताकत मिल रहती है। गुरु जी की ताकत का अंदाजा नहीं, जगह जगह जाओ तो एक एक को देखो तो ऐसे झुकाव आता है अंदर में, नहीं तो मन बड़ा अपने आप में इकट्ठा रहता है। गुरु सच बता रहे हैं, मन की दशा जो है ऐसी है, अपने आप को अफलातून समझो। गुरु जी की दात पे हर समय इतना मन जो है शर्मिंदा होता है, तुमने तो हर समय प्यार ही किया है, हर हालत में दिलाए रखा, आज भी नाजो कैसा। गुरुजी बोलते कि तुम जो है देखना ऐसे एक जगह नहीं, सब जगह तुम्हें हजारों मेरी भक्ति करोगी तो देखना क्या होगा, तुम्हें ईश्वर हजारों रूपों में मिलेगा, करोड़ों रूपों में। अब ये प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल दिखाई देता है कि सब जगह बिछा पड़ा है, वो हर जगह जहां जाओ जहां उसका सहारा हर जगह दिखाई देता है, हर समय किसको बोले एक साध लो सब सत जाए। हम लोग बहुतों को साधने में लगे रहते हैं, इसको भी रिझा ले उसको भी रिझा ले, एक गुरु को नहीं रिझाते। गुरु किससे रिझता है, भजन से रिझता है, गुरु की तो नम्रता से रिझता है, गुरु किससे रिझता है, सबके प्रति अहो भाव रखो, सबका आदर करो। बोले हम लोग इसलिए उसने ये किया इसलिए आदर नहीं, वो ऐसी है वो वैसा है, बहुत अंदर से अंदर में ऐठे रहते हैं, बाहर तो छोड़ो अंदर में भी ऐठे रहते हैं, बाहर झुकते हैं। एक भजन है ना, बाहर से सब बदल गया है, सत्संग का ये असर हुआ है,
लेकिन अंदर में बड़ी ऐंठ रहती है, हम बड़े काबिल। तो वो जो हम बड़े काबिल है ना, वो ही गड़बड़ा। सारा सब ही काबिल है, सब ही उसके बंदे हैं, सभी उसके नूर से उपजे हुए, उसका अंश है, इसकी लिमिटेशन है। इसलिए भगवान बनने की कोशिश, मतलब सब कुछ कर लेने की कोशिश ना करें, बस जो हमारी आपकी एक लिमिटेशन है शरीर की, तो उस लिमिटेशन में हम सेवा तो कर सकते हैं, अच्छी तरह से सोच के भी, हाथ पांव से भी, दिमाग से भी, अपने बोल के द्वारा भी, लेकिन 5 फुट की एक सीमा है, वो जीवन ले दे नहीं सकता। सपोर्ट कर सकता है दवाई देके या कुछ देके, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट, लेकिन अंदर से हमको और आपको वो ईंट ही जमा दे वहां पे जो खाली हुई है, जहां से टूटा हुआ है, वो करना बड़ा कठिन है, वो ईश्वर का ही काम है। एक गुरु की भक्ति से ऐसा भी होता है। कल रवि भैया बता रहे थे कि कैसे जो है हाथ टूटा था, डॉक्टर ने कह दिया था बस 40% ही इधर से उधर होएगा, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, यूं से यूं होगा। लेकिन बोल रहे थे गुरु जी की ऐसी कृपा कि मेरा हाथ इस हाथ से ज्यादा ये वाला हाथ पीछे जाता है। तो भगवान क्या नहीं कर सकता है। हम लोग कभी जब होता है तो क्या होता है, मनाते हैं गुरु जी की छोटी छोटी बातें याद आती हैं कि गुरु जी ने जब बोली थी हम लोगों के सामने, हम लोगों के साथ, कि दीदी का शायद बच्चा होने वाला था, तो गुरु जी थोड़ी देर तो रहे, लेकिन सत्संग का समय जब हुआ तो चले गए सत्संग करने। कि भाई बाहर डॉक्टर देख रहा है, अंदर भगवान देखेगा, अंदर की प्रार्थना। तो मेरा तो प्रार्थना का सत्संग ही है, तो मैं सत्संग में जाऊं। तो सत्संग चले गए थे। उस समय सत्संग जाने से कितनी बदसरना हुई होगी कि माँ चली गई, माँ को तो प्रीत ही नहीं अपनी बेटी से, या माँ तो ऐसी ही है, माँ तो वैसी है, यानी क्या क्या सुनने को मिला होगा। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि हम सच में हितैषी हैं अपने बच्चे के। तो क्या किया, शरीर की भले बदसरना हुई, लेकिन काम गुरु जी ने सही किया कि वो बाहर डॉक्टर के हवाले किए, क्योंकि उसमें वो कुछ कर नहीं सकते, डॉक्टर वो नहीं, और अंदर वो भगवान को मनाने चले गए, उसको रिझाने चले गए सत्संग में। क्या हुआ, सब अच्छा हुआ। नर्स डॉक्टर लोगों को, आने जाने वालों को लगा कि सास माँ है, वो तो सास रही होगी जो चली गई, लेकिन फर्क क्या पड़ता है इन बातों से, क्योंकि हमें तो गुरु जी ने सिखाया है क्या, काम सही करो, भगवान को रिझाओ तो सही। वो रिझता कैसे, सत्संग के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों का ईश्वर तो गुरु है, हम लोग और जानते नहीं। सत्संग के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, थोड़ा मर्यादित होने से, छोटी छोटी ये उपाय करने होते हैं। तो बोले रिझा लो तो सारा संसार रिझाए, अन्यथा बुद्धि से कर के बोले कर के क्या करो, बैल की नाई खटते रहो और जीवन में हमेशा अशांति रहती है, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। सुख तो मिल जाता है थोड़ी थोड़ी देर का, लेकिन अखंड शांति नहीं मिलती है। अखंड जैसे कहते हैं निर्भय पदवी नहीं मिलती, निर्भय पदवी देता है ये दरबार। निर्भय पदवी अगर हो जाए कितना अच्छा है, कि हम लोग कहाँ कहाँ बच्चों के साथ जा सकते, कहाँ कहाँ किसी के साथ जा सकते, अपने प्यारों के साथ,
लेकिन हर जगह हम अपने गुरु को भेज देते हैं, हर एक के साथ, और वो प्रकट हो के काम करता रहता है। तो ऐसा तो प्यारा गुरु है, लेकिन उसकी भक्ति बुद्धि करने नहीं देती है। हमें लगता है दूसरा हमारे आड़े है, लेकिन कोई नहीं, हमारी बुद्धि ही हमारे व्यवधान डालती है, व्याधा डाले रहती है हर समय। तो बुद्धि को ही शरण में रखना, इसके गुरु की शरण में डाल देना। हमारे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हमें इस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हमें इस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, हमारे श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन बात क्यों, दिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों, दिन बात की चिंता, रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चर्चा, रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चर्चा, हमारे श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माता में इस बात की चिंता, हुई किस बात पर कृपा बनाया प्रभु अपना, हुई किस बात पर कृपा बना प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में जब हाथ में इस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ में इस बात की चिंता, हमारे
गुरुदेव हमें इस बात की चिंता, पूर्ण में रख दिया जब माता मैंने इस बात की चिंता। तुम डरते हो सुनाइए माँ, क्यों चिंता करते हो मेरे होते, क्यों डरते हो, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो मेरे होते, क्यों डरते हो, पल पल तेरे मैं रहता, पल पल तेरे मैं रहता, डरने जब मैं बैठा पल पल तेरे मैं रहता, तूफान आगे तेरा दिल घबराता है, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ क्यों भूल जाता है, मैं साथ हूँ क्यों भूल जाता है, जब आँख तेरी बरती दिल मेरा रोता है, जब आँख तेरी बरती दिल मेरा रोता है, मेरी आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है, जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल देता मैं रहता, पल पल देता मैं रहता, संघर्ष है जीवन संघर्ष किए जा तू, संघर्ष है जीवन संघर्ष किए जा तू, सुख दुख दो पहलू है मस्ती में जिए जा तू, सुख दुख दो पहलू है मस्ती में जिए जा तू, क्यों हारता ऐसे हालातों के आगे, क्यों हारता ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बन कर जब मैं चलता सागे, तेरा हौसला बन कर जब मैं चलता सागे, मैं भी नहीं सोता जो तू रतिया जागे, मैं भी नहीं सोता जो तू रतिया जागे, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ,
करने की क्या, जब मैं बैठा ऊपर पल तेरे मैं रहता, ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, पाटों की राहों पर चलना आ जाएगा, पाटों की राहों पर चलना आ जाएगा, है रास्ते खाली तो दिन भी उग आएगा, दिन भी उग आएगा, विश्वास रख मुझ पर रास्ता मिल जाएगा, विश्वास मुझ पर रास्ता मिल जाएगा, जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा, जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, डरने की क्या, जब मैं बैठा पल पल तेरे मैं रहता हूँ, मैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, नैया जो लहरों में तेरी डूब जाएगी, तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी, तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी, मैं आत्मा तेरी सांस हूँ तेरा, मैं आत्मा तेरी एहसास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं विश्वास हूँ तेरा, क्यों घबराता जब मैं विश्वास हूँ तेरा, डोले न अकेला तू संग सतगुरु है मेरा, डोले न अकेला तू जब सतगुरु है मेरा, पल पल तेरे मैं रहता हूँ, डरने की क्या, जब मैं बैठा हूँ पल पल तेरे मैं रहता हूँ। जय सतगुरु की, जय सतगुरु, जी जी अच्छा है, जय सतगुरु, अच्छा है, भजन करती रहिए, बहुत अच्छा होता है, सत्संग करना अच्छा है, सारी पूजा पाठ व्रत नियम यज्ञ अनुष्ठान त्याग वैराग दान पुण्य इसका फल कम है जरूर पर, लेकिन फिर भी कम है, सत्संग का बहुत है, एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, सत्य का संग का अर्थ ये है नाम रूप किसी भी चैतन्य में, कि हम छोटी छोटी बात को जैसे वो बोले वो बस मान ले,
उसी को संग कहते हैं। बातचीत तो संसार की ही होगी, लेकिन बस मान लेने से तुरंत में हमारे आपके मन को थोड़ा सा ताकत मिल जाती है। हमारे पास आज तो ताकत नहीं है, ताकत तो है लेकिन सारी ताकत हमने अपने आप अपने मन को दे रखी है, मनमानी करने की। सत्संग करने का अर्थ यही है कि थोड़ी सी देर हम थोड़ा सा उसके विचार से जिसको भी हम मानते हैं थोड़ा सा झुकते हैं, थोड़ा सा उस बोलते हैं ऐसा कर हम वैसे कर, तुरंत आदत होने लगती है क्योंकि उस समय उस वचन में उसकी शक्ति होती है शामिल, तो हमारे आपको मन को लोच मिलता है। अन्यथा मन कड़े बांस की तरह खड़ा है और वो खड़ा होना ही हमारा हमें अशांत करता है और कुछ नहीं है, क्योंकि बुद्धि हम लोग की बहुत चलती है। बोले उसी बुद्धि को ही तो थोड़ा सा झुकने की आदत हो जाती है, थोड़ा सा यस किसी के भी इज्जत करने की आदत हो जाती है, अन्यथा इज्जत हम लोग करते नहीं है। मनमानी करने को हम कहते हैं अपनी बुद्धि से जो भी कर रहे हैं हम कहते हैं हम इज्जत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको जैसा चाहिए वैसा हम कर लेते हैं, एक अच्छी आंख मिल जाती है भगवान की। तो ईश्वर की जो आंख होती है, बोले दलाल हैं संत गुरु सब ईश्वर से कहते हैं, दलाल है वो हम लोगों को ईश्वर से मिला देते हैं, दलाली का काम करते हैं और दलाली का ही उन्हें दोनों तरफ से फायदा मिलता है। जैसे कोई भी एजेंट बीच में होता है, कपड़ा खरीदने जाओ कोई भी चीज खरीदने जाओ तो बीच में एजेंट होता है, तो या कोई मकान खरीदो तो इधर वाला भी इधर से भी वो लेगा एजेंट जिसको बेच रहा है और जिस जो खरीद रहा है दोनों से पैसा लेता है। तो ऐसे ही हम लोगों के लिए होता है कि जब हम लोग गुरु जी की भक्ति करते हैं गुरु के विचार से तो हमें संसार का सारा ऐश्वर्य भी मिलता है, परमात्मा की नजर भी मिलती है, उससे अंदर जाने का अंदर के धन मिलने लगते हैं, अंदर के ऐश्वर्य मिलने लगते हैं। चाहते हम सब हैं दोनों तरह के ऐश्वर्य, बाहर का भी चाहते हैं और अंदर का भी चाहते हैं। बाहर का बहुत कुछ हो अंदर शांति ना हो तो बड़ी दिक्कत है, और अंदर की शांति ना हो थोड़ा सा अभाव होता है तो थोड़ा तो शरीर को कष्ट होता ही है, बहुत नहीं होता है, राजी रहते हैं भक्त संत सब जो होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो कष्ट होता ही है। लेकिन गुरु जी के पास आने पर अंदर बाहर दोनों का दिखते हैं वो, ऐसे दोनों का। तो संतों को इसीलिए दलाली का मिलता रहता है, हम देख के सोचते हैं मजे हैं सब मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है तो उन्होंने जरूर कहीं से जिनको भी मिल रहा है तो जरूर उन्होंने कहीं ना कहीं झुका झुक के थोड़ी शरण ली है। तो बोले ना तभी दोनों की उस दलाल की बात को स्वीकारा है कि जो वो दे रहा है जिससे हमें मिला रहा है वो बड़ा पावरफुल है, उसके साथ अगर हम व्यापार करने लगेंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा, हमारा माल अच्छे में बिकेगा, ये अच्छा माल भी दे रहा है पैसे भी कम दे रहा है। ऐसे ही तो होता है, दलाल का काम तो यही होता है कि मकान भी बढ़िया दे रहा है पैसे भी कम ले रहा है, हमें अच्छे उससे मिला रहा है, चाहे हम खरीदार हैं चाहे हम लेने वाले हैं दोनों, तो वो लेकिन हमें अच्छे से हमारा कांटेक्ट करा रहा है। ऐसे ही गुरु जब दलाल मिलते हैं जीवन में तो हमारा बहुत अच्छे से हमारा कांटेक्ट कर लेते हैं, ईश्वर ईश्वर नाम की सत्ता से हमारा आपका परिचय करा देते हैं। वो ईश्वर की सत्ता तो कर्तव्य में है, खोजना हमारा आपका काम है, बस ढूंढना हमारा काम है तो कहाँ हम खोज पाते हैं, हम एक गुरु में भी नहीं खोज पाते हैं जिसके विचार को, क्योंकि हम जल्दी जल्दी छुपने के हमारी बुद्धि चलती रहती है, कर तो काम कर तो रही है यही सब बुद्धि चलने लगती है, जल्दी जल्दी मानना चाहिए। हाँ कौन है, संकल्प है क्या? जय सतगुरु, जय सतगुरु, तुम्हारी बहुत अच्छी तुम्हारी सर्विस में तुम्हें गुरु जी को ही देखना सर, आज समय वैसा हुआ तो वो छोटी छोटी बातें ही जीवन में अमल वाली, और उनको अमल करके ही दोनों जहान की दौलतें सब दी हैं आपने, ऐसा किया है गुरु जी ने, सच बता रहे। सब लोगों का मायका ससुराल अलग अलग होता है भाई,
हमारा तो माई का ससुराल मेरा गुरु है, मुझे तो सब कुछ मिलता है अपने माई के ससुराल में, क्योंकि मेरा गुरु ही गुरु है हर कोई यही, और गुरु के नाते सब अपने हो गए, ऐसे कहे बता नहीं सकते, दिल दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर बुद्धि वाले हैं तो जरा सा बुद्धि से सोचो जो कहां से सब मिलता है, कैसे मिलता है। चतुर सुजान बुद्धि भगवान ने इसलिए, चतुर हो जाओ, सिर्फ उसकी भक्ति करो। देखो अभी देखो कैसे ये हो सकता था, मनु का पैसा हो तब होगा, सोचो मनु तो कैसे, ये घर बिके तो है तब जा सकते हैं दूसरे में, तब हो सकता है, कितनी बुद्धि चलती, लेकिन बिना उसके सब हो गया, वो घर बिका भी नहीं, घर इतना प्यारा सा हो गया, इस सब कहां से हुआ, बुद्धि कहेगी इसने किया उसने किया उसने किया, लेकिन नहीं, भक्त जानता है एक अकेला सब करे मन में लहर उठाए, उसके मन में भी लहर उठा दी, तो कोई ना कोई तो हम, क्योंकि हम चैतन्य है तो हमें खाना चाहिए, भूखे हैं हम तो हमें खाने देने के लिए आना, हमारे उस काल्पनिक खाने से हमारी भूख नहीं मिटने वाली, तो ऐसे ही वो चैतन्य होके ही हमारे लिए करने आएगा, वही तो परमात्मा है, उसको रिझा लो, सब जगह देखने की कोशिश तो करो, गुरु जी में बस देखने की कोशिश करो, गुरु जी के माध्यम से फिर दिखेगा सब जगह, नहीं तो कहीं भी नहीं दिखता है, सिर्फ अपने में हम उसको धारण करे रहते हैं। हेलो, जय सतगुरु की, जय सतगुरु, जय गुरु की, हाँ बोलो बेटा, अंकल अंकल जा रहा है, सब लोग आशीर्वाद, जय 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 राम से, राम से, ऑल द बेस्ट, गुरु जी तुम्हारे साथ है, बहन जी को कह रही अरे गुरु जी तो बाबू जी रिटायर होके आए थे, ऐसा स्वागत किया था, ऐसा स्वागत किया, मतलब होता है कि आरती लेके खड़े वो करे सब किया, होता है कि देखो कितने दिन काम किया है, कितने दिन पाला है सबको, मतलब हर चीज का आदर करते थे, हर चीज का, नहीं बोला हमें याद है जब रिटायरमेंट वाले थे वहीं पे, उससे कुछ दिन पहले हम थे रिटायरमेंट, उसी दिन हम थे वहां पे, तो वहां पे थे, अब पहले थे तो ऐसे जैसे होता है साधारण उसमें चिंता में कहते हैं कि बढ़िया बाबू जी रिटायर हो जाएंगे तो कैसे, ऐसे करके एक जैसे ना माया डालने बैठे ऐसे बोले बोले, हम तो बौरों की तरह सुन ली उनकी बात, लेकिन उसके बाद हम 15 दिन ना रहे थे, 16 दिन उसका, और 16 दिन सुबह शाम हम लोगों ने पार्टी का खाना खाया, हम तो सामने का भगवान 16 दिन ना हम लोग मुझे पार्टी का खाना खाया है, सिर्फ आपने वो छोटी सी बात आपने बोली थी तो मुझे तो अपना जलवा दिखा दिया, जलवा दिखा दिया उन्होंने कि क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तो हूँ सब जगह, तो हमारे को दिखाया वो तो है ही है, हमें तो उनसे उनसे तो चल सकते ना, एक छोटा बन के माया डाल के जैसे कृष्ण बोलते ऐसे ही गुरु जी बोले, तो उसमें उन्होंने 16 दिन के तक हुआ क्या ये हमने देखा, हमने कहा अरे भैया ये तो बड़े मायावी है, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, छोटी छोटी बातों में, तो हाँ एक बार बोले घर का खर्च जो है ना, अच्छा तुम्हें कितना मिलता, हमने कहा हमारी इतना देती है सासू माँ, कहते अच्छा अब हम ले लेंगे, और भैया बड़े आराम से हम बता रहे हैं ऐसे चलता वैसे चलता है, लेकिन सब कितना छोटा बन जाता है सिर्फ हमारे आंखों में पर्दा डालने, क्योंकि माया जल्दी से भगवान इतनी बड़ी सत्ता कैसे हमारे आपके हाथ में आ जाए, बुद्धि भ्रमित करती है हम सबको, और ये बुद्धि का भ्रम तब निकला रहता है जब हम रोज रोज सत्संग करते हैं, गुरु जी की बात मानते हैं, नहीं तो माया मां ठगनी कब जाने हमें ठग ले, कुछ पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ निश्चय है, एक निश्चय अपना होता है, एक प्रॉमिस अपने साथ होता है कि छुट्टी लूंगा कभी नहीं मैं, जब तलक है मेरी जिंदगी सांस जब तक चले आखिरी, जब तक इस बुद्धि में सांस है, थोड़ा सा इस तन में सांस है और बुद्धि चल रही है, तब निश्चय मेरा चलता है साथ,
भक्ति चाकरी सिर्फ अपने गुरु की करनी है, सिर्फ उसकी। और एक उसकी चाकरी ऐसा देती है फल, बहुत ही बहुत, कैसे बताएं। सुनी सुनी थी, तू एक देता है वो 10 लाख देता है, ये बात आप चर्चार्थ रहे। तुम एक दोगे वो 10 लाख देगा, देने से मिलता है। तो ये क्या है, आदत गुरु जी डालते हैं, आदत नहीं थी। अर्थ में कमी बेसी दिखा के लोभ करने की आदत थी। ये ऐसा मन है हम सबका, ये नहीं कि एक का मन है, हम सबका मन है सही है। लेकिन गुरु जी ने उसी में छोटे 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 संकल्प सही करना और कर्तव्य सही करना, बस उसमें ही पता नहीं क्या क्या दे दिए, क्या बताएं। कौन सा भजन दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं, मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं, कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं, कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं, मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं, जिसने गुरु वचनों दिल से लगाया है, जिसने गुरु वचनों दिल से लगाया है, उसकी हर धड़कन में गुरु जी समझते हैं, उसकी हर धड़कन को गुरु जी समझते हैं, कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं, जिसने गुरु भक्ति सब कुछ लुटाया है, जिसने गुरु भक्ति सब कुछ लुटाया है, उसकी हर चाहत को गुरु जी जल करते हैं, उसकी हर चाहत को गुरु जी समझते हैं, कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं, जिसने कर लिया दिन भट पहली बार गए गालिब, जिसने कर लिया पहली बार गए गालिब, उसकी हर आहट को गुरु जी समझते हैं, उसकी हर आहट को गुरु जी समझते हैं, कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं, जिसने अपने जीवन में गुरु को सजाया है, जिसने अपने जीवन में गुरु को बसाया है, उसके सारे कष्टों को गुरु जी हरते हैं,
उसके सारे कष्टों को गुरु जी हरते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। यूं तो इस सत्संग में कितने लोग आते हैं, यूं तो इस सत्संग में कितने लोग आते हैं। दिल कौन जीतेगा गुरु जी समझते हैं। दिल कौन जीतेगा गुरु जी समझते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। ज्ञान प्यारे गुरु मन से हम सभी लेते हैं। ज्ञान प्यारे गुरु मन से हम सभी लेते हैं। कौन से निभाएगा गुरु जी समझते हैं। कौन से निभाएगा गुरु जी समझते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। जिसने मेरे गुरुवर को प्यार से पुकारा है, जिसने मेरे गुरुवर को प्यार से पुकारा है, उसके हर मुश्किल में गुरु चढ़े आते हैं। उसके हर मुश्किल में गुरु दौड़े आते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। अंदर ही अंदर सारे भक्तों से मिले, यहाँ पे मंजू से मिले, गुरु की ऐसी बातें बता रही थी, ऐसे प्यारे ढंग से गुरु जी की छोटी छोटी बातों को ही वचन समझ के पालन कर रही है। तो भैया कल राजरानी बनी बैठी है, सब इज्जत कर रहे हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा लगा देख के। और छोटी छोटी बात गुरु जी की, जो संसार में कितने लोग कितनी बात बोलते हैं अंदर नहीं जाती है, लेकिन गुरु जी की छोटी छोटी बात जैसे अंदर चली गई और उसका पालन भक्त कर रहा है, तो उसने उसके जीवन को हमने देखा बहुत उससे, क्योंकि हम लोग का काम तो यही है देखते रहने, हमारा स्वरूप ही है आत्मा, तो इसलिए दृष्टा उसका स्वरूप है। हम आत्मा है तो दृष्टा हमारा स्वरूप है, देखना हम बंद नहीं कर सकते, हम देख क्या रहे हैं ये हमारा विषय है। हर समय हम भक्तों को देख के उनसे कुछ सीख रहे हैं या हम अपनी भक्ति के अहंकार में रहते हैं। साथ का तो यही है ना, कैसे एक एक भक्त झुका रहता है, कैसे एक एक भक्त, तो हम भक्ति करें बस, दूसरे के ऐड देखें तो भी हम झुके, क्योंकि तो उसकी ऐड हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसकी ऐड हमें नहीं अच्छी लग रही है ना, तो हमें झुकना है। ये छोटी छोटी तो टिप्स हैं जो गुरु जी ने हम लोगों को दिए हैं, भक्तों को देख के हमें, हम जगे रहते हैं अंदर से, हर समय जग भक्तों का साथ से तो जगता, नहीं तो अपनी भक्ति के ऐड में ही रहता है। हम बड़े भारी भक्त हैं, बड़ा शर्म आती है सच बता है। तो मैं वो है नी शर्म सार हूं, मैं किया कुछ नहीं,
शर्म सारिणी, तेरी रहमतों का कर्जदार, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता, तेरा ही दिया हमने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया। कितने हाथों से देता है, एक गुरु जी की भक्ति करो, एक गुरु, एक शंकर जी को जरा सा जल चढ़ाते हो तो हजार उसमें देता है ना, ऐसे ही एक गुरु के विचार को मान के उनके विचार को थोड़ा सा अपनाओ तो बोले हजारों, बोले जॉब में भी जाके अच्छा काम करते होने के बाद भी गाली मिलती रहती है और कोई खुश नहीं होता है, कोई खुश हो जाता है वो भी तो भगवान ही है। हम तो बोले ऐसा तो प्यारा है, तो इतने रूपों में हमें जरूरी थोड़ा ना किसी हैंड से जरूर कितने देगा, एक हाथ से दे लेता है तो दूसरे हाथ से वो तुम्हें हमें कितना दे सकता है, एक ही थोड़ा सा। लेकिन जो परमात्मा देता है सारे रूप में सब जगह व्यापक होकर प्रकट होके, चाहे वो सैलरी के रूप में ही मेरे पास आता है वो भी तो उसी का है, मेरा बच्चा कमा के लाता है वो भी तो वही है, वो भी तो उसी के, उसका दिमाग संतुलित रखता है भगवान, तभी तो वो उस माइंड से काम कर पाता है, उस जिसकी सैलरी पाता है वो तो माइंड भी तो स्वस्थ रखने वाला कौन है, भगवान। हम किस बात का अहंकार करते हैं, हम बहुत कुछ करने वाले हैं, किसी बात का तो अहंकार नहीं। जिस चीज का अहंकार हो तो बोले एक लेटा है तो शुक्राना है कि तुम करने वाले हो, हम करने वाले, क्योंकि लेटा भी परमात्मा ही है जो बन गया है, इसको जरूरत है। तो हम सोचते हैं हम बड़े कर पाए, हम बड़ी की सेवा कर पाए, एक कोई नहीं कर रहा है, वो भगवान ही उधर लेटा हुआ है तुम्हारी और हमारी महिमा करवा रहे हैं। अगर वो लेटे वाले का दृश्य बदल दे एक सेकंड में, हम लेट जाए दूसरा करने लगे तब तो ग्लानी से हम भर जाएंगे, कहीं अहंकार से भर जाते हैं कहीं ग्लानी से भर जाते हैं, बीच में रहना हमारी तुम्हारी आदत नहीं। भगवान गुरु का ज्ञान, गीता का ज्ञान बीच में, समता योग का ज्ञान है। समता योग मीन्स मन करके सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, कोई किसी का मन मेरे मन से जुदा नहीं है, उसका मन खराब ज्यादा है या मेरा खराब ज्यादा है ऐसा नहीं, उतना ही मन उसका भी खराब है जितना मेरा, मेरा भी उतना ही खराब है जितना दूसरे का। तो क्या देखना है कि मन अगर हम को रहना किस तरफ है, एक तरफ भगवान है एक तरफ मन है, तो गुरु के विचार में रहना है या मन के विचार के साथ रहना है। तो बोले वो जो हमारी आदत गुरु जी बनाते हैं वही हमें बड़ा फल दे जाती है, पता नहीं कैसा कैसा। बोले आदत बनाओ, अपनी आदत बनाओ और कुछ नहीं, सुनना लो, सुनने के बाद अमल करो। ज्ञान सुनता रहो तुम सुनाते रहो, अमल करने में बड़ा मजा आता है, अमल करने में बड़ा मजा करुणा सिंधु हो तुम महिमा गाने में बड़ा मजा
आता है दिमाग आने में बड़ा मजा, आता है घर पे आता रंग सजोता रंग, घर पे आता रंग सजोता रंग, भक्ति करने में बड़ा मजा, आता है भक्ति करने में बड़ा मजा, आता है ज्ञान सुनता रंग तुम सुनाते रंग, ज्ञान सुनता रंग तुम सुनाते रंग, अमल करने में बड़ा मजा, आता है अमल करने में बड़ा मजा, आता है बड़े आता रंग सजो काता रंग, घर पे आता रंग सजो काता रंग, भक्ति करने में बड़ा मजा, आता है भक्ति करने में बड़ा मजा, आता है तुम दाता बन मैं भिखारी बन, तुम दाता बनू मैं भिखारी बन, झोली भरने में खड़ा मजा, आता है झोली भरने में खड़ा मजा, आता है पे आता रंग सजो काता रंग, पे आता रंग सजो काता रंग, भक्ति करने में बड़ा मजा, आता है भक्ति करने में बड़ा मजा, आता है दीन बंधु हो तुम करुणा सिंधु हो तुम, दीन बंधु हो तुम करुणा सिंधु हो तुम, महिमा जाने में बड़ा मजा, आता है महिमा जाने में बड़ा मजा, आता है घर पे आता रंग सजो काता रंग, घर पे आना रंग सजो काता रंग, भक्ति करने में बड़ा मजा, आता है भक्ति करने में बड़ा मजा, आता है। चार अंधों ने आती देखा, देखा देखा कैसे अंधे थे, महसूस किया छू छू के, किसी ने कहा नाले जैसा है, किसी ने कहा दीवार जैसा है, किसी ने कहा ऐसा है, किसी ने कहा वैसा, चारों ने चारों ही राइट थे। तो ये झगड़ा कब खत्म हुआ, जब एक आंख वाला आ गया, उसने कहा तुम चारों राइट हो, नहीं ऐसे ही है ज्ञान, कि जब आंख वाले गुरु जी मिल जाते हैं तो संसार में सब कुछ कहते हैं सही है, सब सही है, तो थोड़ा सा क्या करो तुम आंख वाले के साथ रहे हमारा, क्योंकि हम अंधे हैं, हम सब अंधे हैं, बुद्धि की आंख खुली हुई है, हमने अपनी सारी शक्ति अपनी बुद्धि अपने मन को दे रखी है, और इसी से हम परेशान हताश निराश जीवन में है। बोले वही बुद्धि की शक्ति जब गुरु की बुद्धि से मिल जाती है तो क्या होता है, इतना अच्छा लगेगा, इतना आनंद शांति मिलेगी, स्थिति नहीं बदलेगी लेकिन स्थिति में वो स्थित हो जाएगा, वो तो दिखाई देने लगेगा हमें और आप, और स्थिति में बताइए वो झलक जाए तो क्या होगा, कितनी निश्चिंतता आ जाती है, कितनी निर्भयता आती है, क्या महिमा बताने वाले महिमा बताने वाली नहीं है, तुम भूल गई थी नहीं नहीं ना बोलो ना बोलो ना बोले ना बोलो ना बोलो रे राधा घूंघट पटना बोलो रे